आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। बता दें कि पूरे प्रदेश में चैत्र नवरात्र रामनवमी महापर्व आज से आरंभ हुआ, जहां पूरे प्रदेश में आज से 9 दिन तक माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना कर व्रत पालन किया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित मां बिरासिनी मंदिर में रामनवमी पर्व की बैठक की मनाई जा रही है। मां बिरासिनी के दरबार में आज सुबह मंदिर संचालन समिति के पदाधिकारी व जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह, डिप्टी कलेक्टर गोविंद सिंह, स्थानीय एसडीएम व मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष टीआर नाग सहित पंडा पुजारियों मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष टीआर नाग सहित पंडा पुजारियों की उपस्थिति में पूजा आराधना हवन आरती कर घट स्थापना की गई। साथ ही गर्भगृह में दीप प्रज्वलन कर मनोकामना जवारे ज्योति कलश स्थापित करने का शुभारंभ किया गया। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। 9:52 से लेकर 11 बजे तक के बीच में घट स्थापना हुई। घट स्थापना की पूजा पाठ के पश्चात ज्योति कलश तिल घी का प्रज्वलित हुआ। इसमें हमारे जिला पंचायत सीओ माननीय महोदय जी एवं क्या नाम बताया डीओ साहब, डिप्टी कलेक्टर साहब और अपने एसडीएम साहब, मंदिर के संचालन समिति, पंडा पुजारी और पत्रकार भाई बंधु सब मिलजुल करके मंदिर में पूजा अर्चना हुई, घट स्थापना हुई, ज्योति कलश प्रज्वलित हुआ। और आज मंदिर में बहुत भीड़ है, सभी श्रद्धालु ज्योति कलश, घी तेल, सादे कलश मोबाइल जा रहे हैं, रसीद काटे जा रहे हैं। व्यवस्था पूर्ण तरह से अच्छी सुचारू रूप से चल रही है। आज चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज माँ बिराजनी माता मंदिर पाली में उसका घाट स्थापना की गई है और यह क्रम प्रारंभ हो गया है। और यह जो माँ बिराजनी माता का जो मंदिर है, इस क्षेत्र में भव्यता प्रदान करते हुए दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और घाट स्थापना के साथ साथ में वो विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिन तक यह क्रम चलता रहेगा। उसके बाद 9वें दिन जो है, जो अभी घट स्थापना की गई है, उसको जुलूस के रूप में संचालन करके उसका माता जी का विसर्जन किया जाएगा। और इसमें जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं शांतिपूर्वक दर्शन करें और ये मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था की गई है, उसमें किसी प्रकार की कोई श्रद्धालु को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ये समुचित व्यवस्था की गई है। ग्लोबरासिनी मैया की जय। बिरसिंहपुर पाली में आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और मंदिर प्रांगण में जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है और श्रद्धालु और भक्त लोग बहुत आ रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से सभी जगह मंदिर प्रांगण में और आने जाने वाले सार्वजनिक स्थानों में, बस स्टैंड में, हर जगह पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वाहनों के पार्किंग के लिए क्या कुछ वाहन की पार्किंग की व्यवस्था, जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बस स्टैंड के पीछे तरफ और ग्रासनी मंदिर के पीछे तरफ प्रांगण में, सरस्वती शिशु स्कूल के ग्राउंड में और थाना के पीछे बाहर बड़े वाहन 4-व्हीलर और 2-व्हीलर की व्यवस्था की गई है, ताकि भक्तगण अपने सुविधा से गाड़ी वहां लगा के और मंदिर के दर्शन करें, माता का आशीर्वाद लें।